तो चलते हैं इस बिजी लाइफ से दूर एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन की तरफ और मजा लेते हैं रास्तों का, क्योंकि ये रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सुनसान रास्ता है ये, पौड़ी से सिरसू का बहुत सुनसान रास्ता है इस वक्त, खासकर 7 बजे के आसपास, और सर्दियों का टाइम है, फरवरी का महीना है। तो चलते हैं एक नए सफर की शुरुआत करते हैं गढ़वाल फुटहिल्स में सिचुएटेड कोटद्वार से, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह को नदी के किनारे बसा हुआ है and the former name is Kodwar. It is also known as the gateway to many destinations of Gadwal region, yani ise Gadwal ka pravesh dwar bhi kaha jata hai, particularly Pauri Gadwal. To chalte hain Pauri jile ke ek shant, ramaneek aur bahut hi khoobsurat offbeat destination ki taraf, which is known as Khirsu. किसे पता था कि सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसे ट्रैफिक जैम और लैंडस्लाइड से होगी, लेकिन कहते हैं सफ़र का असली मज़ा मंजिल में नहीं रास्तों में है। कोटद्वार से अप्रॉक्स 5 से 7 किलोमीटर पर ही ये लैंडस्लाइड जोन था, जहां रास्ता ख़राब नहीं बल्कि एक्सट्रीमली वर्स्ट और डेंजरस था। खिरसू तो दूर, दुबड्डा भी पहुंचेंगे कि नहीं, जो कि कोटद्वार से सिर्फ 15 किलोमीटर ही दूरी पर है। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब आगे लैंडस्लाइड का सबसे वर्स्ट और डेंजरस जोन आने वाला था, जो काफ़ी डराने वाला एहसास होने वाला था। एक तरफ पहाड़ से चट्टाने खिसक रही थी, वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में चिकनी मिट्टी का दलदल। सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ तो थी। Have safely crossed that extremely worst part of the landslide zone. Bas, mere track pant ka bottom and shoes kichad se lavala bhar gaye the, jisko ab pani se saaf karna tha, kyunki kichad lagne se shoes ab bhari lag rahe the.
सो मजबूत इरादों के साथ अब हम दुगड्डा पहुंच ही गए। अब खिरसू का डिस्टेंस यहां से था अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स। दुगड्डा के जस्ट आगे फतेहपुर से लैंसडाउन जाने के लिए राइट टर्न लेना होता है, बट अपने को जाना है खिरसू, सो आई हैव टू बी ऑन दिस रोड ओनली स्ट्रेट टिल ओमखाल। ये है घूमखाल, यहाँ से अपने को लेना है राइट, जो हाईवे पौड़ी जाएगा वाया सतपुली, जो कि है नेशनल हाईवे 534। एंड किसी को ऋषिकेश जाना है तो वो घूमखाल से सेम रोड को स्ट्रेट फॉलो कर सकते हैं। ये है सतपुली, पौड़ी जिले का काफी फेमस टाउन, जो कि घूमखाल से ऑल्टीट्यूड में काफी लो है, इसलिए घूमखाल में समर्स में भी वेदर काफी कूल एंड प्लेजेंट रहता है एज कम्पेयर टू सतपुली। बट सतपुली की लोकल रिवर की मछलियाँ काफी फेमस हैं और अक्सर टूरिस्ट या फिर नियर बाय प्लेसेस से लोग यहाँ आकर माछ भात खाना पसंद करते हैं। सतपुली मार्केट के चौराहे से भी दो रास्ते जाते हैं एंड वी हैव टू टेक द लेफ्ट वन विच इज नेशनल हाईवे 534। सनसेट कुछ ही देर में हो ही जाएगा, लेकिन ख़राब रास्ते और खिरसू पहुंचने की जल्दी में शायद मैं बताना ही भूल गया कि इस सफ़र में मेरे साथ है मेरा नेफ्यू, हिज नेम इज़ हिमांशु बिश्ट, हु इज़ एन एडवेंचर फ्रीक एंड सर्विंग इंडियन आर्मी। अंधेरा होने के बाद गोवाखाल से खिरसू जाते वक्त इस नज़ारे को कैसे मिस कर सकते हैं, मानो सारे आसमान के तारे ज़मीन पर आ गए हों। यहाँ से खिरसू सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर रह जाता है, अप्रॉक्स 11 किलोमीटर, लेकिन रास्ता बहुत सुनसान और सकरा होने के साथ साथ जंगल से घिरा हुआ है। इस वक्त ठंड भी बहुत है क्योंकि टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री है और अभी मेरे को कोई नहीं मिल रहा है रास्ते में, कोई भी बाइक वाला या गाड़ी वाला। और देख सकते हैं आप, देखिए कितना ज़्यादा कोहरा, देखिए फॉग,
अमेजिंग। तो इस वक्त पौड़ी से खिरसू के जो रास्ते में हम जो पौड़ी से खिरसू जाता है रोड उसी में है भाई, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना ज़्यादा सपरा ये रास्ता है। और इस वक्त टाइम हो रहा है अराउंड 7 और मैं एकदम से नीचे आ गया हूँ। थोड़ा सा ध्यान भटका और बाइक सड़क के नीचे आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा सुनसान रास्ता है ये पौड़ी से खिरसू का, बहुत सुनसान रास्ता है इस वक्त, खासकर 7 बजे के आसपास। और सर्दियों का टाइम है, फरवरी का महीना है। ये देखिए जो मेरे बगल में बांज के पेड़ हैं, बांज सारा, और ख़ासकर जहाँ पे बांज के पेड़ होते हैं उस वाली बेल्ट में जो लेपर्ड है और जो भालू है, बेयर, वो सब ये जानवर यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब अभी हम काफ़ी रिस्की जोन से गुजर रहे हैं, अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। नहीं लिखा जा रहा ना, मुझे इसमें नाम नहीं देना। ठंडे हो गए हाथ। नाम ब्याज पर सीट पर पहाड़ चना है तो हाँ, पर एक ठहरती ठहरनी ना, एक पहाड़ चाहे जो है पहाड़ चीज एकम पास मतलब कोई जगह नहीं जगह पर अब ठहर जान रुके दिए छे ना पर अब अपने नहीं हाथ चल। अच्छा थोड़ा डाउन हो सी जाए ना दिखे लगर से देर पर हल्का से पार बर्फ थी बहुत बड़े रुके छे पर बड़े खाने में तेरे वो भी गया पड़ोस का कोटद्वार पहाड़ों में रात कुछ जल्दी ही हो जाती है और थकान भी काफ़ी हो गई है। तो मिलते हैं खिरसू पार्ट 2 में। उम्मीद है नज़ारे और भी खूबसूरत होंगे, तो इजाज़त दीजिए और मिलते हैं खिरसू के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी।